हेलो दोस्तों, मैं हूं देवर। स्वागत है आप सभी का डीएम ऑटो कॉर्नर में। फाइनली आज आपके सामने हाजिर है 2023 का न्यूली लॉन्च बाउंस इन्फिनिटी E1 का लिमिटेड एडिशन टॉप मॉडल। इस स्कूटर में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज, रेंज, टॉप स्पीड कितने तक जाती है, साथ में इसकी जो बैटरी है अलग से अगर आप खरीदते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है और सब्सिडी कितनी मिलती है, ऑन रोड कीमत क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई जी से। आपका नाम क्या है? मुजाहिद खान है सर। और यहाँ शोरूम का नाम? शोरूम का नाम है सर ट्रांक्विल मोटर्स। सबसे पहले कलर की बात करें तो टोटल 5 कलर यहाँ पर आपको इस स्कूटर में देखने को मिलेंगे। पहला रेड दिया गया है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा व्हाइट है, चौथा यहाँ पर सिल्वर कलर है। जो पांचवा कलर है वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो आपको मिलता है डार्क ग्रे कलर। सबसे पहले हेडलाइट की अगर हम बात करें तो टोटल LED का सेटअप मिलता है, जैसा कि डे टाइम रनिंग लाइट यहाँ पर आपको LED में मिलती हैं। डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलता है, जिससे आपको नाइट में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल सके। टोटल यूनिक यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलेगी। ये जो इसका एप्रेन है वो आपको फाइबर बॉडी का मिलेगा। हैजार्ड सिस्टम भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लैक पियानो फिनिशिंग देखने को मिलेगी। आगे वाला जो मडगार्ड आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको आगे में 210 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी और यहाँ पर 90/90/12 का ट्यूबलेस स्टार मिलता है, 12 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील के साथ में। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 150 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी एक चीज़ अच्छी मुझे यहाँ पर ये लगी कि इसका जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर पानी की जो डिस्पेंसर वाली बोतल होती है या फिर जो सिलेंडर होता है यहाँ पर आप आसानी से रख सकते हैं। सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो सीट यहाँ पर आपको काफ़ी लंबी चौड़ी मिल जाती है। और बाकी कुशन वगैरह की बात करें तो यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छी फॉर्म का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको सीट ऐड मिलती है 695 mm की और यहाँ पर बाउंस का यहाँ पर 3D में लोगो है, इन्फिनिटी का 3D में लोगो मिलता है। क्रोम में E1 जैसा कि ये वेरियंट है, लिमिटेड एडिशन जैसा कि ये बिल्कुल ही लेटेस्ट वाला मॉडल आप देख रहे हैं। और जो स्कूटर के जो फुटपैक्स हैं वो भी आपको एकदम काफ़ी कंफर्टेबल मिलते हैं, कुछ इस तरह से ये फोल्ड और अनफोल्ड हो जाते हैं। बाकी साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। स्कूटर की रियर लुक की अगर हम बात करें तो जो टेल लाइट है ये भी आपको LED में मिलेगी, इंडिकेटर भी आपको LED में मिल जाते हैं। अब देखा जाए तो भाई किसी भी स्कूटर को आप उठाकर देख लो, इतनी प्यारी पीछे का जो LED वाला जो पोर्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। में 120/70/12 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, यहाँ पर आपको 190 mm की डिस्क मिलती है, मतलब आगे भी डिस्क और पीछे भी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगी। बाकी ये है इसके नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन। मोटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1.5 किलोवाट की 1500 वाट की यहाँ पर आपको VLDC मोटर मिल जाती है। तो स्टार्टिंग कंसोल के बारे में हम बात करें तो इसका मैनुअल की आता है, जस्ट आप मैनुअल की ऑन करेंगे 3 सेकंड के अंदर आपका गाड़ी ऑन हो जाएगा। अभी आपका ये चार्जिंग इंडिकेशन दिखा रहा है, ये आपका डिस्प्ले कंसोल ऑन हो रहा है। अभी आपका डिस्प्ले कंसोल ऑन है, आप हॉर्न मारेंगे हॉर्न काम देगा, इंडिकेटर काम देगा, अपर डिपर लाइट काम देगा, आपका फोर्थ इंडिकेटर जो हजार्ड लाइट हम बोलते हैं वो काम देगा, पर आपका अभी थ्रोटल देने से गाड़ी जाएगा नहीं क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं है। अगर हमको स्टार्ट करना पड़ता है तो हम जो मतलब जोन सा ही ब्रेक एक जरा दबाते हैं फिर सेल्फ स्विच प्रेस करके छोड़ देने से या रेड लाइट जल जाता है। सो अभी आपका गाड़ी स्टार्ट है। सो अभी हम मोड के ऊपर आते हैं तो बेसिकली हमारा मोड है दो, एक है इको मोड जो कि बिलो 40 के अंदर जाता है स्पीड, और एक है पावर मोड जो कि टॉप स्पीड जनरेट करता है 65, और एक है आपका ड्रैग मोड। ड्रैग मोड क्या है ना, आपका मान लीजिए कि सपोज़ इमरजेंसी में आपका कहीं पे फंस गए हैं, आपका टायर पंचर या फिर कुछ हो गया है, पंप नहीं है, प्रेशर नहीं है गाड़ी पे, सो आप ड्रैग मोड पे करके 2-3 स्पीड पे आप गाड़ी को ले सकते हैं। देखिए अभी मैं ड्रैग मोड पे कर चुका हूँ, जस्ट ड्रैग पे करके फोर्थ इंडिकेटर ऑन करना है, आपका गाड़ी 2-3 स्पीड पे अपने आप गड़ने लगेगा। जो कि आप मान लीजिए कि कहीं पे आपका गाड़ी फंस गया है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब ड्रैग मोड पे करके इजीली आप कैरी कर सकते हैं, जो पुश करना हमको पड़ता नहीं है। रिवर्स करने के लिए सर हमको जस्ट इको या पावर पे रखना पड़ता है, ये जो हजार्ड मोड है हमको जस्ट ऑन करना पड़ता है, और जस्ट ये जो येलो कलर का स्विच है इसको हम 3 सेकंड प्रेस करना पड़ता है। प्रेस करने से यहाँ पे रिवर्स डिस्प्ले पे आपका शो कर देगा, लिख देगा कि रिवर्स मोड है। सो अभी मैं जब रेव करूँगा थ्रोटल दूंगा तो 3-4 स्पीड में गाड़ी बैक हो पीछे पीछे हो के जाएगा। अगर आपको रिवर्स ऑफ करना है तो जस्ट आप ड्रैग मोड को जो ऑफ कर देंगे जो कि फोर्थ इंडिकेटर है आपका। अभी आपका नॉर्मल मोड पे आ चुका है, मोड इको है, मोड इको पे आपका बिलो 40 स्पीड पे जाएगा,
मैं रनिंग कंडीशन पे भी मेरा मोड चेंज कर सकता हूँ, मैं अभी पावर मोड कर दिया तो टॉप स्पीड 65 आपका जनरेट होगा। और एक है सर आपका प्लस पॉइंट क्रूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल एक है सर, मान लीजिए कि आप कहीं पे लॉन्ग जा रहे हैं, लॉन्ग जाने से क्या है ना आपका रिस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, कमर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, बोरिंग लाइफ हो जाता है सर, सो आप जस्ट क्रूज कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी मैं इकोनॉमिक मोड पे चला रहा हूँ, तो जस्ट मैं बिलो 40 स्पीड पे चला रहा हूँ, ये जो येलो कलर का स्विच है 3 सेकंड में प्रेस करके रखूँगा, यहाँ पे मेरा क्रूज लिख देगा, क्रूज लिख चुका है, मेरा स्पीड लॉक हो चुका है 38 स्पीड पे कॉन्स्टेंट। अभी मैं हाथ छोड़ के ये एक हाथ पे भी चला सकता हूँ या फिर नॉर्मली रख के चला सकता हूँ, जो मैं रिस्ट पेन रहता है और रिस्ट पेन नहीं होगा। ऑफ करने के लिए आपका 2 वे है, जरा भी ये थ्रोटल देने से आपका क्रूज कट जाएगा, आप इजीली नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा। और एक रहता है सर आपका प्लस पॉइंट, ये है डिटैचेबल बैटरी के साथ आता है सर, आप लेके घर पे भी चार्ज कर सकते हैं या फिर गाड़ी के साथ भी कर सकते हैं। बैटरी का वोल्ट रहता है सर 48 वोल्ट, 39 एम्पीयर का बैटरी रहता है, 1.9 किलोवाट का बैटरी रहता है, जस्ट आप प्लग आउट कर दीजिएगा, ये रहता है एंटी क्लॉकवाइज के घुमा देने से निकाल देने से निकल जाएगा, फिर आप लेके घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। बैटरी का वेट रहता है सर 12 kg, इजीली आप कैरी कर पाएंगे, जस्ट फिर चार्ज करने के बाद आप इजीली रख भी सकते हैं। मान लीजिए गाड़ी पे चार्ज करना है, गाड़ी पे चार्ज भी कर सकते हैं सर, यही प्लग इन है, प्लग आउट है। अभी हम प्लग इन कर दिया, मेरा गाड़ी अभी हो गया सर। बूट स्पेस रहता है सर आपका 12 लीटर का बूट स्पेस रहता है, जो कि आपका मोबाइल चार्जिंग भी यहाँ पे रहता है, आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, या आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है। मान लीजिए कहीं पे आपका गाड़ी फ्यूज हो गया, मतलब ऑनलाइन मैनुअल से आपका फ्यूज भी आप खुद कर सकते हो। हमारे यहाँ पे फैसिलिटी है स्वैपिंग स्टेशन का, बाउंस इन्फिनिटी प्रोवाइड करता है आपको स्वैपिंग स्टेशन, ना कि चार्जिंग स्टेशन। चार्जिंग स्टेशन पे क्या होता है ना सर आपका, मान लीजिए कि आप चार्जिंग कर रहे हैं, कहीं पे आपका चार्ज खत्म हो चुका है, सो आप क्या ना, मान लीजिए ये आपका बैटरी है, फिक्स बैटरी व्हीकल में क्या आता है ना सर आपको मतलब टाइम लेना पड़ता है, 3 घंटा 4 घंटा बैटरी चार्ज करना पड़ता है। हमारा स्वैपिंग स्टेशन पे आप जस्ट 35 रुपीज़ पे करेंगे, पे करने से आपको रेंट में 48 आवर के लिए एक बैटरी मिल जाएगा, आपका बैटरी आपके पास रहेगा। मान लीजिए कि आपका बैटरी फुल भी चार्ज है, आपको लॉन्ग जाना है, एक बैटरी आप कैरी कर सकते हैं, तो आप दूसरा बैटरी लेके कहीं पे भी लॉन्ग जा सकते हैं। ये चार्जर है सर बाउंस इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर का, जो कि आप गाड़ी के साथ फ्री आता है। मान लीजिए कि आपका 2-3 साल बाद ख़राब हो चुका है, तो आपका कॉस्ट आता है आपका सर ये 10,000 रुपीज़ ओनली। बाउंस इन्फिनिटी सर आपको प्रोवाइड करता है डिटैचेबल बैटरी। मान लीजिए कि आपको रनिंग ज़्यादा है, गाड़ी आपको इसी गाड़ी ही पसंद आ चुका है, सो हम आपको डुअल बैटरी ऑप्शन भी देते हैं। मान लीजिए कि गाड़ी के साथ आप एडिशनल एक्स्ट्रा बैटरी एक खरीदते हैं, उसका रेंज आएगा सर 60 किलोमीटर, ये जाएगा आपका 85 to 90 किलोमीटर। मान लीजिए बिलो 150 किलोमीटर आप इजिली कैरी मतलब जा पाएंगे, राइड कर पाएंगे, और उसका प्राइस रहेगा सर 24,000। मान लीजिए कि आपको 6 साल बाद आप नया बैटरी खरीदना चाहते हैं, तो आपका आएगा कॉस्ट 40,000 रुपीज़। चलिए अभी आ जाते हैं हम बैटरी वारंटी के ऊपर। बैटरी का हेल्थ रहता है सर आपका 6 साल या तो 90,000 किलोमीटर। जी, तो बैटरी वारंटी के ऊपर हम आ जाते हैं सर। बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, कन्वर्टर, ये चार चीज़ के अंदर हमारा 3 साल का वारंटी रहता है, या फिर रनिंग के ऊपर जाए तो हम 45,000 किलोमीटर का वारंटी रहता है। सो अभी हम प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। बाउंस इन्फिनिटी का एक शोरूम प्राइस रहता है आपका 1,19,815 रुपया। अगर हम ऑन रोड की बात करें, सब स्टेट में अलग अलग रहता है। हमारा शोरूम है खंडगिरी भुवनेश्वर पे, जहाँ के आप मान लीजिए कि ओडिशा स्टेट पे है। अभी ओडिशा स्टेट का मतलब ऑन रोड प्राइस है आपका 1,22,000 रुपीज़। सब्सिडी आपका आ जाता है, मान लीजिए आपका अदर गाड़ी सबका गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुका है कि 1 किलोवाट को 5,000 रुपीज़। हमारा रहता है 1.9 किलोवाट का बैटरी, जो कि आपको प्रोवाइड करता है 9,500 रुपीज़ ओनली।